आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मायसेल्फ गौतम जैन। आज से बेटा हम हमारा 12 का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग 12 सिलेबस हम कुछ बेसिक्स चीजें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अकाउंटेंसी। नो डाउट 11th में सारे स्टूडेंट ने प्रॉपरली लेक्चर्स किए होंगे, उनको लिटिल बिट अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होगा। बट कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने 11th में प्रॉपरली क्लासेस या फिर कॉलेज अटेंड नहीं किए हैं, या फिर उनको अकाउंटेंसी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो आज के लेक्चर्स में मैं आपको बेसिकली अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है कि जिसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, एंड देन आफ्टर दैट हम हमारा 12th का सिलेबस क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। तो हम जो सब्जेक्ट देख रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है बेटा बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा, बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जिस बेटा हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग का मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में हम अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। आपके बिजनेस में जो भी कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, आपके बिजनेस में जो भी कुछ डीलिंग्स हो रही है, उन डीलिंग्स के बेसिस पे एट द ईयर एंड आपको आपके बिजनेस का रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ या फिर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है। तो दैट्स व्हाई आप आपके बिजनेस के लिए क्या करते हो बेटा, अकाउंटिंग करते हो। तो बेटा जब भी हम कोई भी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग इज अ वन टाइप ऑफ साइकिल। अकाउंटिंग ये क्या है बेटा, साइकिल है। मींस अकाउंटिंग में काफी सारे प्रोसेस, काफी सारे स्टेप क्या होते हैं बेटा, इन्वॉल्व होते हैं। जनरली कोई भी अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है बेटा विद अ ट्रांजेक्शन। मींस सबसे पहले आपके बिजनेस में क्या होते हैं बेटा, ट्रांजेक्शंस। फिर ट्रांजेक्शंस के बेसिस पे आप बनाते हो बेटा जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स आप प्रिपेयर करते हो बेटा लेजर अकाउंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ लेजर अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हो बेटा ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आप क्या बनाते हो बेटा, फाइनल अकाउंट। तो जनरली यही हमारा अकाउंटिंग क्या है बेटा, साइकिल है। बट बेटा अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने के पहले हम कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट देखेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बार बार क्या की जाती है बेटा, यूज की जाती है। उस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग आपको अवेयर है तो आपको इजीली अकाउंटिंग समझने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और वो वर्ड्स आपको अवेयर है तो आप इजीली अकाउंटिंग को क्या कर सकते हैं बेटा, सीख सकते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर्स में हम कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, मींस अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आज हम क्या करने वाले बेटा, पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले बेटा हेडिंग दे दो बेटा, सब अपने नोटबुक्स में हेडिंग लिखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट वो टर्मिनोलॉजी है जो अकाउंटिंग में बार बार क्या की जाती है बेटा, यूज की जाती है। तो बिफोर स्टार्टिंग सिलेबस स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स है जिनका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वर्ड्स आपको अवेयर है तो आपको इजिली अकाउंटिंग क्या हो जाएगी बेटा, समझ में आएगी। तो बेटा बेसिक कंसेप्ट में पहला कंसेप्ट हम स्टडी करने वाले हैं बेटा, दैट इज वो है बेटा कैपिटल, CAPITAL कैपिटल। अब बेटा कैपिटल इस वर्ड के काफी सारे मीनिंग्स होते हैं, बट बेटा अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैपिटल्स का मतलब क्या होता है ये हमें समझ के लेना है। तो बेटा कैपिटल को हम हमारी मराठी लैंग्वेज में कहते हैं बेटा भांडवल। कैपिटल का मीनिंग होता है मराठी लैंग्वेज में क्या होता है बेटा, भांडवल। बट बेटा अकॉर्डिंग टू द अकाउंटेंसी कैपिटल का मतलब क्या होता है ये हम समझ के लेते हैं। तो बेटा कैपिटल इस वर्ड्स के काफी सारे मीनिंग्स है, तो इसमें से अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल का मतलब होता है
कैपिटल मींस दोज अमाउंट और दोज प्रॉपर्टी विच इज इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द हिज ओन बिजनेस. बिजनेस का ओनर या बिजनेस का मालिक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए अपने ओन बिजनेस में जो कुछ पैसा जो कुछ चीजें इन्वेस्ट करता है उन्हें हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल. तो बेटा कैपिटल इस वर्ड का मतलब होता है इन अकाउंटिंग टर्म्स ऐसा पैसा या ऐसी चीजें जो ओनर अपने ओन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ टू स्टार्ट द बिजनेस और टू रन द बिजनेस. और बेटा विदाउट कैपिटल आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते. आपको एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या एक बिग एम्पायर भी ओपन करना है तो सबसे पहले इनिशियली स्टेज में आपको किस चीज की जरूरत होगी बेटा? कैपिटल की. तो कैपिटल का मतलब होता है वो चीजें या फिर वो पैसा या फिर वो चीजें जो ओनर अपने ओन बिजनेस में क्या करता है बेटा? इन्वेस्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ टू स्टार्ट द बिजनेस और टू रन द बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल बेटा मुझे कोई क्लास स्टार्ट करना है. मुझे क्या करना बेटा? कोई स्टार्ट क्लास स्टार्ट करना है. और क्लास स्टार्ट करना है तो बोलने से स्टार्ट होगा क्या? नहीं. तो क्लास स्टार्ट करना है तो सबसे पहले बेसिकली मेरे पास क्या होनी चाहिए बेटा? पैसे. दूसरा मेरे पास एक बेटा प्रॉपर लोकेशन में एक हॉल होना चाहिए. फिर उसके बाद मेरे पास फर्नीचर होना चाहिए क्लासेस के लिए. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चेयर्स बोर्ड लाइट्स फिटिंग ये सब होना चाहिए. विदाउट दैट ऑल थिंग्स मेरा क्लास स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं. तो ये सारी चीजें पैसा जगह फर्नीचर चेयर टेबल ये सब मेरे बिजनेस का मींस मेरे क्लासेस का क्या है बेटा? कैपिटल. और ये सारी चीजें बिजनेस में किसको देने आ कौन पर्सन लेके आ रहा है बेटा? ओनर लेके आ रहा है मतलब मैं खुद ला रहा हूं. तो ये सारी चीजें मेरे बिजनेस के लिए मेरे बिजनेस का क्या है बेटा? कैपिटल. अब बेटा ये कैपिटल किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है या कैपिटल फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? तो बेटा कैपिटल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है आपको आपके बिजनेस का कैपिटल फाइंड आउट करना है तो बेटा कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. असेट्स माइनस लाइबिलिटीज आपके बिजनेस की जो भी असेट्स है उन असेट्स में से आपके बिजनेस की लाइबिलिटीज लेस करो तो रिमेनिंग जो डिफरेंस बचेगा वो क्या रहेगा बेटा? आपके बिजनेस का कैपिटल. तो बेटा कैपिटल सबको समझ में आ गया. तो कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा या वो चीजें जो ओनर अपने ओन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ टू स्टार्ट द बिजनेस और टू रन द बिजनेस. और विदाउट कैपिटल हम कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते. तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा. आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है सपोज आपको स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको इनिशियली स्टेज में क्या क्या लगेगा? सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए बेटा? पैसा. दूसरा एक प्रॉपर लोकेशन पे आपके पास क्या होनी चाहिए बेटा? शॉप. फिर फर्नीचर एंड देन गुड्स मींस जो आपके दुकान में जो चीजें बेचने के लिए हम रखेंगे दैट इज स्टेशनरी आइटम वो हमारे लिए हमारे क्या रहेंगे बेटा? गुड्स. तो बेटा इन सारी चीजों को आप आपके बिजनेस का क्या कह सकते हो बेटा? कैपिटल. और ये सारी चीजें किसको लेके आनी पड़ेगी बेटा? ओनर्स को. तो सबको समझ में आ गया बेटा कैपिटल. तो कैपिटल इस वर्ड का मतलब होता है मराठी लैंग्वेज में भांडवल. कैपिटल का मतलब क्या होता है? भांडवल. और इसे हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे बेटा? वो पैसा या वो चीजें जो ओनर अपने ओन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ टू स्टार्ट द बिजनेस और टू रन द बिजनेस. इसे हम क्या कहेंगे बेटा? कैपिटल. और कैपिटल कैसे फाइंड आउट किया जाता है बेटा? कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी. और बेटा ये जो कैपिटल होता है ये बिजनेस के लिए बिजनेस की क्या होती है? वन टाइप ऑफ लायबिलिटी. बेटा ये याद रखो कैपिटल ये बिजनेस की क्या होती है बेटा?
लायबिलिटी होती है क्यू, इसके लिए सब बोर्ड पे ध्यान देंगे बेटा, कैपिटल लायबिलिटी क्यू है। तो बेटा आप देखते हो बेटा, हम ये जो अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, ये किसके लिए मेंटेन कर रहे हैं बेटा, बिजनेस के लिए। और ये अकाउंटिंग को कौन मेंटेन करता है बेटा, बिजनेस मैन। तो बेटा 11th में हमने कंसेप्ट देखा था बेटा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट देखा था बेटा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बेटा ये कंसेप्ट क्या कहता है, तो बेटा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि ओनर एंड बिजनेस ये दो सेपरेट पर्सन है, ओनर एंड बिजनेस ये दो सेपरेट पर्सन है। दैट्स व्हाई जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो दोनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमने सेपरेटली क्या करनी चाहिए बेटा, रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो बेटा एज पर लॉ बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर द सेपरेट पर्सन, दोनों का सेपरेट क्या होता है बेटा, स्टेटस होता है। जैसे बेटा बिजनेस को हम कहते हैं बेटा, बिजनेस भी एक पर्सन है और उसे हम कहते हैं बेटा आर्टिफिशियल पर्सन, और दूसरा होता है बेटा बिजनेस मैन, बिजनेस मैन जिसे हम कहते हैं बेटा नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन। तो बेटा बिजनेस एंड बिजनेस मैन ये बोथ आर, दोनों कैसे होते हैं बेटा, सेपरेट होते हैं। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं बेटा, बिजनेस के लिए, और उसे कौन मेंटेन करेगा बेटा, बिजनेस मैन। इन द आईज ऑफ लॉ बोथ आर सेपरेट, बिजनेस को हम कहते हैं बेटा आर्टिफिशियल पर्सन एंड बिजनेस मैन को हम कहते हैं बेटा नेचुरल पर्सन। तो बेटा ओनर, ओनर दैट इज बिजनेस मैन, अपने तरफ से कोई भी चीजें अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ओनर दैट इज बिजनेस मैन अपनी तरफ से कोई भी चीज बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं बेटा, कैपिटल। उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं बेटा, कैपिटल। तो इन शॉर्ट कैपिटल किसने किसको दिया है, बिजनेस ने, बिजनेस मैन ने कैपिटल किसे दिया है बेटा, बिजनेस को। तो बिजनेस के पास जो भी कैपिटल आया है वो किससे आया है, ओनर से। और बेटा आपको मालूम है That's business के पास जो भी कुछ होता है वो उसका अपना खुद का नहीं होता, क्योंकि उसको किसी ना किसी से वो चीजें मिली होती है, क्योंकि business ये एक artificial person है, और artificial person by itself अपना खुद का कुछ भी create नहीं कर सकता। तो बेटा जब भी business shut down होगा, जब भी business shut down होगा, तो business की responsibility है कि जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था वो पैसा फिर से बिजनेस ओनर को क्या करेगा बेटा, रिफंड करेगा। और जो पैसा हमें देना होता है उस पैसे को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं बेटा, लायबिलिटी। तो बेटा बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी बिजनेस शट डाउन होगा तो बिजनेस में जो कुछ पैसा ओनर ने लगाया था वो पैसा फिर से बिजनेस ओनर को क्या करेगा बेटा, रिफंड करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो कैपिटल है ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की क्या होती है बेटा, लायबिलिटी होती है। तो क्लियर है बेटा सबको, कैपिटल समझ में आ गया। तो कैपिटल का मतलब होता है बेटा वो पैसा या वो चीजें ओनर अपने ओन बिजनेस में, बेटा ओन बिजनेस मैटर करता है। मेरे पास पैसा है और मैं किसी और के बिजनेस में उसे इन्वेस्ट करता हूं उसे मैं कैपिटल नहीं कह सकता। कैपिटल का मतलब होता है अपने ओन बिजनेस में ओनर जो कुछ इन्वेस्ट करेगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा, कैपिटल। और कैपिटल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बेटा, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। और कैपिटल बिजनेस के लिए, बिजनेस की क्या होती है बेटा, लायबिलिटी होती है। कैपिटल बिजनेस के लिए, बिजनेस की क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। तो क्लियर बेटा लायबिलिटी क्यों है ये समझ में आ गया। कैपिटल का पैसा ओनर ने बिजनेस को दिया था, दैट्स व्हाई बिजनेस की रिस्पांसिबिलिटी है कि जब भी वो क्लोज होगा ये पैसा फिर से हमें किसे रिटर्न करना बेटा, ओनर्स को।
दैट्स व्हाई हम कैपिटल को बिजनेस की क्या कहते हैं बेटा, लाइबिलिटी। क्लियर है बेटा? तो पहला कांसेप्ट सबको समझ में आ गया, दैट इज कैपिटल। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा। सेकंड कांसेप्ट है बेटा हमारा, सेकंड कांसेप्ट है हमारा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी liabilities, liabilities। अब बेटा liabilities का मतलब क्या होता है ये हम समझ के लेते हैं। तो ये हम देखते हैं बेटा सेकेंड कंसेप्ट हमारी liability। बेटा इस liability को मराठी लैंग्वेज में कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा, देयता। लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा देयता। मींस लायबिलिटी मींस रिस्पांसिबिलिटी टू पे या फिर ऑल पेबल अमाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। जो कुछ पैसा हमारे लिए पेबल हो सकता है या जो कुछ पैसा हमें देना पड़ सकता है उस पैसे को हम हमारी क्या कहते हैं बेटा, लायबिलिटीज। जिससे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं एग्जाम्पल थ्रू आपको लाइबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज बेटा मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है। मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने की जरूरत थी बेटा, 50 लाख रुपीज। हाँ वैसा चाहिए तो मुझे 50 लाख रुपीज, बट मेरे पास इतना पैसा नहीं था। इस 50 लाख में से, इस 50 लाख में से ओनर, ओनर का मतलब होता है जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है, उस ओनर के पास 30 लाख रुपीज थे। कितने पैसे थे बेटा, 30 लाख रुपीज। आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस स्टार्ट करते समय आपको कितने पैसे की जरूरत है बेटा, 50 लाख रुपीज की। पर बेटा 50 लाख रुपीज में से ओनर के पास कितना पैसा था बेटा, दैट इज 30 लाख। और आपको कितने पैसे की कमी गिर गई बेटा, दैट इज 20 लाख। तो मैंने क्या किया बेटा, एक बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया। एक बैंक से मैंने क्या किया बेटा, लोन को अप्लाई किया और मैंने बैंक से लोन लिया बेटा। बैंक लोन, बैंक से मैंने लोन लिया बेटा, दैट इज 10 लाख। कितने का लोन लिया बेटा, 10 लाख। मेरे पास टोटल कितना हो गया बेटा, 30 + 10, दैट इज 40। अभी भी मुझे कुछ पैसा कम गिर रहा है, अभी भी मुझे कुछ पैसा क्या हो रहा बेटा, कम हो रहा है। तो बेटा मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है बेटा मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स। मैं मिस्टर एक्स को बोलता हूँ कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है, जिसमें से मेरे पास मेरे खुद के 30 लाख रुपए है, मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है, आप मुझे और पैसे की 10 लाख रुपीस कम गिर रहे हैं, तो आप मुझे हेल्प करो मेरे बिजनेस के लिए। तो मिस्टर एक्स कहता है ठीक है मैं आपको पैसा दूंगा, पर आपने मुझे ये पैसा क्या करना चाहिए बेटा, विद इन द ईयर, एक साल के अंदर में आपने ये पैसा मुझे क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। तो मिस्टर एक्स मुझे क्या करता है बेटा, 5 लाख रुपीज देता है। मिस्टर एक्स मुझे कितना पैसा देता है बेटा, 5 लाख रुपीज। अब बेटा मुझे और कितने पैसे की जरूरत है बेटा, दैट इज 5 लाख, क्योंकि 50 में से मेरे पास खुद के 30 थे, बैंक से मैंने 10 लाख रुपीस दिए और मिस्टर एक्स ने मुझे कितना दिया बेटा, 5 लाख रुपीस। ऐसे मुझे मेरे पास 45,000 हो गए और मुझे पैसे की जरूरत है। तो मेरा और एक दोस्त है, दैट इज मिस्टर वाई, मैं उससे भी प्रॉमिस करता हूँ, मैं उससे भी क्या करता हूँ बेटा, कुछ लोन लेता हूँ और मैं उसको प्रॉमिस करता हूँ कि ये लोन मैं आपको विदिन 6 मंथ क्या कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। तो मिस्टर वाई से भी मैं कितना पैसा लेता हूँ बेटा, 5 लाख रुपीज। अब देखो बेटा मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे जो 50 लाख रुपए लग रहे थे, ये 50 लाख रुपए ये मेरे बिजनेस का क्या है बेटा, कैपिटल है, जिसमें से ओनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया बेटा, 30 लाख रुपीज। दैट्स बैंक से मैंने कितना पैसा लिया बेटा, 10 लाख रुपीज। मिस्टर एक्स से मैंने कितना पैसा लिया बेटा, 5 लाख रुपीज। मिस्टर वाई से मैंने कितना पैसा लिया बेटा, 5 लाख रुपीज। तो अब बेटा मैंने मेरा बिजनेस क्या किया बेटा, स्टार्ट किया। थ्रू आउट द ईयर मैं मेरा बिजनेस क्या कर रहा हूँ बेटा, रन कर रहा हूँ।
अब बेटा जैसे जैसे बिजनेस चलेगा, जैसे जैसे मेरे पास पैसे आएंगे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है उन लोगों को मैंने फिर से पैसा रिफंड करना चाहिए। जब भी मेरे पास पैसा आएगा तो सबसे पहले मैंने किसका पैसा देना चाहिए बेटा, वाई का, क्योंकि वाई को प्रॉमिस किया विद इन द 6 मंथ मैं आपका पैसा क्या करूंगा, रिफंड करूंगा। देन मुझे पैसा पे करना चाहिए बेटा मिस्टर एक्स का, क्योंकि उसको मैंने बोला कि मैं साल भर के अंदर आपका पैसा क्या करूंगा बेटा, रिफंड करूंगा। बेटा बैंक लोन मुझे विद इन द ईयर पे करने की जरूरत तो नहीं है, बट 2-5 साल के बाद मुझे बैंक लोन का भी पैसा क्या करना पड़ेगा बेटा, रिफंड करना पड़ेगा। देन ओनर का पैसा बिजनेस तभी रिफंड करता है जब आपका बिजनेस क्या होने वाला बेटा, शट डाउन होगा, क्लोज होगा, अनलेस आपको ये पैसा रिफंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा पैसा आपके बिजनेस को क्या करना है बेटा, देना है। और जो पैसा हमें देना होता है उस पैसे को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं बेटा, लायबिलिटीज। तो बेटा लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, या फिर ऑल पेबल अमाउंट्स ऑफ अ बिजनेस आर नोन एज लायबिलिटीज। तो जो पैसा आपके लिए पेबल होता है उन सारे अमाउंट्स को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं बेटा, लायबिलिटीज। और बेटा बिजनेस में वन हैंड कभी ऐसा कोई बिजनेस आपको नहीं दिखाई देगा कि उस बिजनेस में कुछ भी लायबिलिटीज नहीं है। ईच एंड एवरी बिजनेस में बेटा कुछ ना कुछ क्या होती है बेटा, लायबिलिटीज होती है। बिकॉज ऑफ ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जिसमें आपको कोई लायबिलिटीज दिखाई नहीं देगी। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ क्या होती है बेटा, लायबिलिटीज होती है। तो सबको क्लियर है बेटा लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, या फिर ऑल पेबल अमाउंट्स ऑफ अ बिजनेस आर नोन एज लायबिलिटी। जो जो पैसा हमें देना होता है या जो जो पैसा हमें देना है उन सारे अमाउंट्स को हम हमारे बिजनेस की क्या कहते हैं बेटा, लायबिलिटी। तो बेटा ये 50 लाख रुपए में मैंने जिन जिन लोगों से पैसे लिए हैं उन उन लोगों को मुझे पैसा देना है, तो ये सारी ओनर्स का कैपिटल, बैंक लोन, मिस्टर एक्स का पैसा, मिस्टर वाई का पैसा हमें इन फ्यूचर देना है, तो ये सब मेरे लिए मेरे बिजनेस की क्या है बेटा, लायबिलिटी से। तो क्लियर बेटा लायबिलिटी समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या देखा था, कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब होता है इनिशियल अमाउंट्स या ऐसी चीजें जो ओनर अपने ओन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ टू स्टार्ट द बिजनेस और टू रन द बिजनेस। और कैपिटल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। और बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए कैपिटल उसकी क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। देन सेकंड कांसेप्ट हमने देखा बेटा लायबिलिटीज। तो बेटा लायबिलिटीज का मतलब होता है ऐसा पैसा जो हमें इन फ्यूचर क्या करना है बेटा, पे करना है, या जो जो पैसा हमें देना होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लायबिलिटीज कहते हैं। क्लियर बेटा सबको। तो बेटा इन सबके डेफिनेशन आफ्टर द लेक्चर्स मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में इन सारे कंसेप्ट के जो भी थ्योरेटिकल पार्ट्स है, मींस जो भी थ्योरेटिकल आपको मैं इनकी डेफिनेशंस जो भी है वो आफ्टर द लेक्चर्स आपके स्क्रीन पे आपको रिफ्लेक्ट होंगे और वो कंसेप्ट आपको आपके बुक्स में क्या करना है बेटा, रिकॉर्ड करना है। तो अभी मैं आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन बाद में आपको ये कंसेप्ट बुक्स में क्या करना है बेटा, नोट डाउन करना। तो सबको समझ में आ गया बेटा लायबिलिटीज। अब बेटा बिजनेस में काफी सारी लायबिलिटीज होती है, तो उस लायबिलिटी को समझने के लिए हम लायबिलिटीज को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। हम लायबिलिटीज को क्या करते हैं बेटा, फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो वो लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन किस तरह से वो हम देखते हैं। तो बेटा हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। बेटा बिजनेस में आपको जो जो पैसा देना होता है उन लायबिलिटीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में बेटा, 3 पार्ट्स में। एक होती है बेटा दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, या इसको हम कहते हैं बेटा फिक्स लायबिलिटीज। दूसरा होता है बेटा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, या उसको हम कहते हैं बेटा
करंट लायबिलिटीज, क्या कहते हैं बेटा, करंट लायबिलिटीज, एंड थर्ड वन होता है बेटा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। अब बेटा इनका मीनिंग काफी सिंपल है, केयरफुल। तो सबको लायबिलिटी का तो मीनिंग समझ में आ गया, तो लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे या फिर ऑल पेबल अमाउंट्स ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज लायबिलिटी। जो पैसा हमें देना होता है उस पैसे को हम हमारी क्या कहते हैं बेटा लायबिलिटीज। जैसे आपने बेटा काफी सारे लोगों से पैसा लिया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी आपके पास पैसा आएगा तो उन लोगों को फिर से उनका पैसा क्या करना बेटा, रिफंड करना। तो बेटा बिजनेस को काफी सारे लोगों का पैसा देना होता है, बट ये पैसा हमें एक साथ पे करने की जरूरत नहीं होती। अब बेटा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर फिक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है ये हम समझ के देखते हैं। तो बेटा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी का मतलब होता है दोज लायबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर वन ईयर और मोर ड्यूरेशन। जो पैसा हमारे लिए पेबल हो सकता है एक साल बाद या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के बाद, तो ऐसे लायबिलिटी को हम कौन सी लायबिलिटी कह सकते हैं बेटा, लॉन्ग टर्म या फिर बेटा फिक्स लायबिलिटी। तो जो पैसा आपको देना पड़ सकता है कब, एक साल बाद या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के बाद। जैसे बेटा कैपिटल का पैसा या बैंक लोन का पैसा हमें विद इन द ईयर देने की जरूरत नहीं होती है। ये पैसा हम 10 साल या फिर 5 साल या 15 साल में फिर से क्या करते हैं बेटा, रिफंड करते हैं। और कैपिटल का पैसा तो जब बिजनेस बंद होगा उसी समय वो पैसा हम ओनर को क्या करते हैं बेटा, रिफंड करते हैं। अनलेस एंड अदरवाइज हमें कैपिटल का पैसा रिफंड करने की जरूरत नहीं होती है। तो बेटा जो पैसा हमारे लिए पेबल हो सकता है, देना पड़ सकता है एक साल बाद या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के बाद, तो हम उसे क्या कह सकते हैं बेटा, लॉन्ग टर्म या फिर बेटा फिक्स लायबिलिटी। तो बेटा लॉन्ग टर्म और फिक्स लायबिलिटी के एग्जांपल है बेटा, पहला एग्जांपल है बेटा कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का पैसा बिजनेस को इमीडिएटली ओनर को देने की जरूरत नहीं होती है। कैपिटल के बाद दूसरा एग्जांपल है बेटा बैंक लोन। बैंक लोन जनरली हम बैंक से जो लोन्स लेते हैं बेटा वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं, मोर देन वन ईयर के बाद उनका रीपेमेंट करना पड़ता है। तो कैपिटल और बैंक लोन ये मेरे लिए मेरी कौन सी लायबिलिटी है बेटा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो क्लियर बेटा, यहाँ पे पैसा आपको कब पे करना है, आफ्टर वन ईयर और मोर ड्यूरेशन, एक साल या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के बाद आपको पैसा पे करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज लॉन्ग टर्म और फिक्स लायबिलिटी। क्लियर है बेटा, चले आगे। नेक्स्ट है बेटा आपकी शॉर्ट टर्म और करंट लायबिलिटी। अब बेटा शॉर्ट टर्म और करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म और करंट लायबिलिटी का मतलब होता है दोज लायबिलिटी विच आर पेबल विद इन द ईयर। जो पैसा हमें देना पड़ सकता है विद इन द ईयर, जैसे हमारे एग्जांपल में मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स का पैसा, हमने उसको प्रॉमिस किया था वाई को कि हम आपका पैसा विद इन 6 मंथ और एक्स का पैसा विद इन द ईयर हम आपको क्या करेंगे बेटा, रीपे करेंगे। तो जो पैसा आपके लिए पेबल हो सकता है विद इन द ईयर, ऐसे लायबिलिटी को हम क्या कहेंगे बेटा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो बेटा दोनों में बेसिकली डिफरेंस है कि ये लायबिलिटी एक साल बाद या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के बाद पेबल होती है, और ये लायबिलिटी दैट इज करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आपको पेबल होती है विद इन द ईयर, विद इन द ईयर। बेटा इसके एग्जांपल्स है, करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स आप मुझे बता सकते हो बेटा, देखो हमने 11th में स्टडी किया था करंट लायबिलिटी, तो आप मुझे बता सकते हो बेटा करंट लायबिलिटी के एग्जांपल। सबसे पहले बेटा क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब होता है वो सप्लायर्स कि जिनसे हमने उधारी में गुड्स लिए हैं और उस गुड्स के अगेंस्ट में हमें उनको पैसा देना है, या फिर क्रेडिटर्स का मतलब होता है दोज पर्सन टू हुम समथिंग इज पेबल, जिन लोगों को हमें पैसा देना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा क्रेडिटर्स। और बेटा क्रेडिटर्स का पैसा आपको विदिन द ईयर एक साल के अंदर ही देने की जरूरत है। तो क्रेडिटर्स आपकी कौन सी लायबिलिटी है बेटा? करंट लायबिलिटी। दूसरा एग्जांपल से बेटा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। तीसरा एग्जांपल है बेटा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। चौथा एग्जांपल है बेटा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो बेटा ये सब आपकी क्या है बेटा? कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। बिकॉज ऑफ दिस लायबिलिटी का पैसा आपको क्या करना है बेटा? विदिन द ईयर पे करना है। तो क्लियर बेटा? तो जो पैसा साल भर के अंदर देना है दैट इज करंट लायबिलिटी, जो पैसा साल भर के बाद देना है दैट इज फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्लियर बेटा? सबको समझ में आया होगा। ये हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। क्या बेटा? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अब बेटा कॉन्टिंजेंट इस वर्ड का मतलब होता है बेटा कंडीशनल। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कंडीशनल। अब बेटा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी कि जिसका पैसा आपको देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, विच डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट। जो पैसा आपको देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, which depend upon future event, ऐसे liability को हम क्या कहते हैं बेटा? contingent liability। तो बेटा contingent liability का मतलब होता है the liability which occur or may not be occur, which depend upon future event। जो पैसा आपके लिए payable भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, which depend upon future event, ऐसे liability को हम क्या कहते हैं बेटा? contingent liability। बेटा जैसे for example मैं आपसे challenge लगाता हूँ, मैं आपसे challenge लगाता हूँ कि अभी summer season चल रहा है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आज बारिश होगी, आप बोलते नहीं सर आज बारिश नहीं होगी, तो फिर हम क्या करते हैं बेटा? challenge लगाते हैं 1000 rupees। मैं कहता हूँ आज बारिश हुई तो आप लोग मुझे 1000 रुपए देंगे और नहीं हुई तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। तो बेटा यहाँ पे हम दोनों के लिए भी पैसा देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, जो किस पे डिपेंड है बेटा? बारिश के इवेंट पे। बारिश आई तो आप लोग मुझे 1000 रुपए दोगे और नहीं आई तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। तो इस टाइप ऑफ लायबिलिटी को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। जो पैसा हमें देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, विच डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट, ऐसे लायबिलिटी को हम कहते हैं बेटा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। बेटा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को ही हम कहते हैं अनसर्टन लायबिलिटी। क्या कहते हैं बेटा? अनसर्टन। बिकॉज ऑफ ये कंफर्म नहीं है देना है या नहीं देना है, बट बेटा करंट लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटी ये सर्टन है, मतलब यहाँ पे कंफर्म है पैसा देना है। करंट लायबिलिटी के केस में विद इन द ईयर पैसा देना होता है और फिक्स लायबिलिटी के केस में एक साल बाद पैसा देना होता है, दैट्स व्हाई इन्हें हम सर्टन लायबिलिटीज कहते हैं। और ये बैलेंस शीट्स में रिकॉर्ड होते हैं और बैलेंस शीट के टोटल में इनके अमाउंट्स क्या होते हैं बेटा? इंक्लूड होते हैं। बट बेटा ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है, ये अनसर्टन लायबिलिटी होती है और इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसे हम फुट टू अकाउंट मींस बैलेंस शीट बनने के बाद
हमें कुछ नोट्स लिखने होते हैं, तो उस नोट्स में हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को क्या करते हैं बेटा, रिफ्लेक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ ये सर्टन नहीं है, दैट्स व्हाई उसे हम बैलेंस शीट में नहीं लिख रहे और बैलेंस शीट के टोटल में हम उसे काउंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर बेटा? तो करंट एंड फिक्स्ड को आप कह सकते हो सर्टन, और कॉन्टिंजेंट को आप क्या कह सकते हो बेटा, अनसर्टन, विच डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट। क्योंकि यहाँ पे पैसा देना या नहीं देना ये किस पे डिपेंड है बेटा, फ्यूचर इवेंट्स पे। तो क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया बेटा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अब आप बोलोगे सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एग्जांपल्स क्या है, तो बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एग्जांपल्स है, आपके बिजनेस के कोई लीगल मैटर्स कोर्ट में पेंडिंग है, मतलब आपके कोई केस चल रहा है, कोई केस का रिजल्ट है जो आपके फेवर में आया तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, और नहीं आया तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे जो भी कोर्ट मैटर है कि जिसमें आपको पैसा देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, तो वो सब आपके लिए आपकी क्या है बेटा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। और लास्ट ईयर हमने देखा था बेटा इसका और एक एग्जांपल, डिस्काउंटेड बिल, जो भी बिल हम बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, तो वो डिस्काउंटेड बिल अप टू द मैच्योरिटी, जब तक वो मैच्योर नहीं होते तब तक वो हमारे लिए हमारी कौन सी लायबिलिटी होती है बेटा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। बेटा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स है बेटा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, जो बिल हम बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं वो बिल हमारे लिए हमारी कौन सी लायबिलिटी होती है बेटा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। और दूसरे लीगल मैटर्स जो के कोर्ट में पेंडिंग है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। क्लियर बेटा सबको, लायबिलिटी समझ में आ गया है आपको, बुक्स में बेटा लायबिलिटी हेडिंग देना है, उसके बाद लायबिलिटी का डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन में आपको पीडीएफ फॉर्म में दे रहा हूँ, पीडीएफ फॉर्म में आपको डेफिनेशन लिखना है, और फिर डेफिनेशन के बाद आपको ये क्या करना है बेटा, टी डायग्राम बनाना है। सबको समझ में आ गया बेटा लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, या फिर ऑल पेबल अमाउंट्स ऑफ अ बिजनेस, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, लायबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पे हमारा लायबिलिटीज ये कंसेप्ट खत्म होता है। अभी हम देखेंगे बेटा अगले कंसेप्ट को, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, दैट इज डेटर्स। बेटा ये वो वर्ड्स है जो हमेशा हमने 11th में भी उनको स्टडी किया था, 12th का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले भी हम इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट को आता है वेल एंड गुड, जिन स्टूडेंट को नहीं आता है उनके लिए तो ये काफी अच्छी बात है क्योंकि उनको फिर से पढ़ने के लिए मिल रहा है, बट इन सब चीजों का मीनिंग आपको अवेयर होना जरूरी है, बिकॉज ऑफ ये सारी चीजें आपको आएगी तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरा बेटा डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है, DEBOTRS, डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है, तो बेटा डेटर्स का मतलब होता है वो कस्टमर्स की जिनको हमने उधारी में गुड्स बेचे हैं और उसके अगेंस्ट में हमें उनसे पैसा आना है, या डेटर्स का मतलब होता है बेटा दोज पर्सन फ्रॉम हुम समथिंग इज रिसीवेबल, जिन जिन लोगों से हमें पैसा आना होता है उन सारे लोगों को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं बेटा, डेटर्स कहते हैं। तो बेटा डेटर्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, सब बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। सपोज एक बिजनेस है बेटा, एक बिजनेस है, उस बिजनेस का नाम है बेटा सपना सुपर मार्केट। बेटा ये ग्रोसरी की शॉप है, यहाँ पे ग्रोसरी किराना सामान मिलता है, सबको मालूम है बेटा सपना सुपर मार्केट ये एक किराना दुकान है, यहाँ पे ग्रोसरी आइटम्स गेहूं चावल अनाज या फिर हमारे जो पैकिंग आइटम्स है जो डेली हम यूज करते हैं वो मिलते हैं। तो बेटा सपना सुपर मार्केट के कुछ कस्टमर्स है जो रेगुलरली सपना सुपर मार्केट से क्या करते हैं बेटा, कुछ गुड्स परचेज करते हैं। तो सपोज बेटा एक कस्टमर है मिस्टर ए,
जिसने बेटा क्या किया, सपना सुपरमार्केट से उधारी में बेटा, उधारी जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है कैसे हो रही है बेटा, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। अभी हम उनको गुड्स दे रहे हैं बट वो हमें पैसा कब देने वाले, इन फ्यूचर। तो बेटा सपना सुपरमार्केट ने उधारी में गुड्स बेचे। मिस्टर ए ने सपना सुपरमार्केट से कितने के गुड्स दिए बेटा, 5,000 रुपए। कितने के गुड्स दिए, 5,000 रुपए। मतलब वो सपना सुपरमार्केट में गया, वहां से 5,000 रुपए के गुड्स परचेज किया, पर जब पैसे देने की बारी आई तो मिस्टर ए कह रहा है कि ये पैसा मैं आपको अगले महीने पे करूंगा। कब पे करूंगा, अगले महीने, ठीक है। और एक पर्सन है बेटा, और एक कस्टमर है सपना सुपरमार्केट का, मिस्टर बी, जिसने भी बेटा सपना सुपरमार्केट से कुछ गुड्स लिए ऑफ ₹10,000। कितने के गुड्स लिए बेटा, 10,000। और एक कस्टमर है बेटा मिस्टर सी, जिसने सपना सुपरमार्केट से अगेन गुड्स लिए है ऑफ ₹3,000। और एक पर्सन है बेटा मिस्टर डी, जो बेटा सपना सुपरमार्केट के जो ओनर है ना, सपना सुपरमार्केट के ओनर है बेटा, कौन ओनर है सपना सुपरमार्केट के, गौतम, कौन ओनर है बेटा, गौतम। ये सपना सुपरमार्केट का क्या बेटा, ओनर है, और उनका ये क्या बेटा, फ्रेंड है, उनका ये क्या बेटा, फ्रेंड है मिस्टर डी। तो मिस्टर डी ने तो उनसे कोई गुड्स नहीं लिए, मिस्टर डी को कुछ पैसे की जरूरत थी, मतलब कुछ कैश चाहिए थी, उसने कुछ कैश बोरो की सपना सुपरमार्केट से, सपना सुपरमार्केट से उसने कुछ कैश बोरो की ऑफ ₹2,000। तो बेटा ध्यान से देखो, सपना सुपरमार्केट ने इन सब लोगों को कुछ ना कुछ गुड्स या कुछ ना कुछ पैसे दिए हैं, और इनसे जो भी हमें पैसा आना है वो कब आना है, इन फ्यूचर। तो सपना सुपरमार्केट के लिए ये सारे लोग, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, इन सब को सपना सुपरमार्केट क्या कहता है बेटा अकाउंटिंग लैंग्वेज में, डेटर्स। तो बेटा डेटर्स का मतलब होता है वो लोग जिनसे हमें पैसा आना है, जिन जिन लोगों से आपको पैसा आना होता है उन सारे लोगों को आप क्या कहते हो बेटा, डेटर्स। तो बेटा सपना सुपरमार्केट को ए से 5,000 रुपए आना है, बी से 10,000 रुपए आना है, सी से 3,000 रुपए आना है, मिस्टर डी से 2,000 रुपए आना है। तो बेटा सपना सुपरमार्केट के लिए ए बी सी डी ये सब सपना सुपरमार्केट के क्या है बेटा, डेटर्स है। तो सबको क्लियर है बेटा डेटर्स। तो डेटर्स का मतलब होता है वो लोग जिनसे हमें पैसा आना है। तो डेटर्स आर दोज पर्सन फ्रॉम होम समथिंग इज रिसीवेबल, जिन जिन लोगों से हमें पैसा आना होता है उन सारे लोगों को हम क्या कहते हैं बेटा, डेटर्स। तो सपना सुपरमार्केट के लिए ये सब सपना सुपरमार्केट के क्या है बेटा, डेटर्स है। तो क्लियर है बेटा सबको, डेटर्स समझ में आ गया। तो आपको याद रखना बेटा सिंपल सा मीनिंग होता है डेटर्स का। तो डेटर्स का मतलब होता है दोज पर्सन फ्रॉम होम समथिंग इज रिसीवेबल, जिन जिन लोगों से हमें पैसा आना है उन सारे लोगों को हम क्या कहते हैं, हमारे डेटर्स। और डेटर्स आपके बिजनेस की क्या होती है बेटा, वन टाइप ऑफ असेट। डेटर्स आपके लिए आपकी क्या होती है बेटा, असेट्स होती है। और असेट में ये कौन सी असेट है बेटा, करंट असेट। कौन सी असेट बेटा, करंट असेट। तो क्लियर है बेटा डेटर्स का मीनिंग समझ में आ गया सबको, क्लियर है। चले आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं बेटा। हम डेटर्स के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा आज हमारा लास्ट कंसेप्ट है आज का, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्रेडिटर्स, CREDITORS, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, तो बेटा इसके पहले भी हमने देखा करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है बेटा वो
सप्लायर्स कि जिनसे हमने उधारी में गुड्स परचेज किए है और उस गुड्स के अगेंस्ट में हमें उनको क्या करना बेटा, पैसा देना है। या फिर बेटा क्रेडिटर्स का मतलब होता है वो पर्सन कि जिन पर्सन को हमें कुछ ना कुछ पैसा देना होता है। जिन जिन लोगों को हमें पैसा देना होता है उन्हें हम कहते हैं बेटा क्रेडिटर्स। तो बेटा जिन लोगों से हमें पैसा आना है वो हमारे डेटर्स है। तो सिमिलर वे जिन लोगों को हमें पैसा देना है उन लोगों को हम क्या कहते हैं बेटा, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का मतलब होता है बेटा ऐसे सप्लायर्स की जिनसे आपने उधारी में गुड्स लिए है और उस गुड्स के अगेंस्ट में आपको उनको पैसा देना है। या फिर बेटा ऐसे लोग कि जिनको हमें कुछ ना कुछ पैसा देना है उन पर्संस को भी हम क्या कह सकते हैं बेटा, क्रेडिटर्स। तो बेटा क्रेडिटर्स को भी हम समझ के लेते हैं एग्जांपल थ्रू। तो सबको पहले डेटर्स का तो मीनिंग समझ में आ गया। तो डेटर्स का मतलब जिनसे हमें पैसा आना है वो हमारे होते हैं बेटा डेटर्स। और डेटर्स हमारी क्या है बेटा, असेट। और जिनको हमें पैसा देना होता है वो होते हैं बेटा हमारे क्रेडिटर्स। तो बेटा हम क्रेडिटर्स को भी क्या करते हैं बेटा, समझ के लेते हैं क्रेडिटर्स विद एग्जांपल। क्रेडिटर्स को हम समझ के लेते हैं। सपोज बेटा एक बिजनेस है, उस बिजनेस का नाम है बेटा एबीसी लिमिटेड। बेटा ये ग्रोसरी आइटम है, ये भी किराना की दुकान है एबीसी लिमिटेड। बेटा इस एबीसी लिमिटेड ने क्या किया बेटा, अलग अलग लोगों से उधारी में गुड्स परचेज किए। एबीसी लिमिटेड ने बेटा अलग अलग लोगों से क्रेडिट पे क्या किया बेटा, गुड्स परचेज किए। गुड्स परचेज क्रेडिट एबीसी लिमिटेड ने अलग अलग लोगों से उधारी में गुड्स लिया। बेटा एक सप्लायर है, उस सप्लायर का नाम है बेटा मिस्टर एक्स। तो बेटा एबीसी लिमिटेड ने मिस्टर एक्स से बेटा गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 50,000। सेम बेटा और एक सप्लायर है मिस्टर वाई, जिनसे भी बेटा एबीसी लिमिटेड ने कुछ गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज किए ऑफ रुपीज 1,00,000। और एक पर्सन है बेटा और एक सप्लायर है मिस्टर सी, मिस्टर सी जिनसे भी हमने बेटा गुड्स नहीं लिए है, इनसे हमने कुछ लोन लिया था ऑफ रुपीज 5,00,000 ऑफ रुपीज सपोज 70,000। ठीक है बेटा 70,000। तो बेटा एबीसी लिमिटेड ने क्रेडिट बेसिस पे मिस्टर एक्स से 50,000 रुपए के गुड्स लिए, मिस्टर वाई से बेटा 1,00,000 रुपए के गुड्स लिए और सी से गुड्स को नहीं लिए बट उससे लोन लिया है कितने का, 70,000 रुपए का। तो बेटा हमें क्या करना है इन फ्यूचर इन सबको पैसा देना है। मिस्टर एक्स को कितना पैसा देना है 50,000, मिस्टर वाई को कितना पैसा देना है बेटा 1,00,000 और मिस्टर सी को कितना पैसा देना है बेटा 70,000। तो जिन जिन लोगों को पैसा देना है, तो मिस्टर एबीसी लिमिटेड के लिए एक्स वाई जेड और सी ये सब उनके क्या है बेटा, क्रेडिटर्स। क्या है बेटा, क्रेडिटर्स। तो क्लियर है बेटा सबको। तो क्रेडिटर्स का मतलब होता है वो लोग जिन लोगों को हमें पैसा देना है। तो जिन जिन लोगों को हमें पैसा देना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, क्रेडिटर्स। तो क्लियर है बेटा सबको, क्रेडिटर्स का मीनिंग समझ में आ गया। बेटा आज हमने टोटल कितने कंसेप्ट देखे बेटा, 4। अब कंसेप्ट में एक ही कंसेप्ट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले ये 4 कंसेप्ट समझ में आ गया। सबसे पहला कंसेप्ट देखा हमने कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो ओनर अपने ओन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। दूसरा कंसेप्ट देखा बेटा हमने लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा जो पैसा हमें देना होता है उस पैसे को हम क्या कहते हैं बेटा, लायबिलिटीज। देन नेक्स्ट देखा बेटा हमने डेटर्स, जिन लोगों से हमें पैसा आना होता है उन्हें हम कहते हैं बेटा डेटर्स। देन हमने देखा बेटा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है
वो लोग जिनको हमें पैसा देना है, और क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। और लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। आई होप सो सबको ये चारों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं, और इस कंसेप्ट को आपको आपके नोटबुक्स में बेटा नोट डाउन करना है। इसका पीडीएफ मैं आपको लेक्चर्स में दे दूंगा, तो उसको आपको आपके नोटबुक्स में कॉपी करना है। आपको हेडिंग देना है बेटा सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, और बेसिक कंसेप्ट में ये चारों कंसेप्ट आपको क्या करने बेटा, लिखने। ओके, थैंक यू।